बिस्मिल्लाह रहमान डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल अकाउंट में आप सबको खुश आमदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रो टीचिंग। ये रिसर्च है डॉक्टर एलन की, उन्होंने बताया था ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में 1960 में कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। इसको समझने के लिए टीचिंग को समझना ज़रूरी है। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में ये होता है कि इसमें 35 to 40 स्टूडेंट को 35 to 40 मिनट्स के लिए एक लेक्चर में पढ़ाया जाता है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या कर दिया जाता है, इसमें टाइम और क्लास को स्केल डाउन करके 5 to 10 मिनट्स 5 to 10 स्टूडेंट्स पे लेके आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो टास्क देना है और जो कंटेंट पढ़ाना है वो भी स्केल डाउन कर, उनको भी कम कर दिया जाता है। इसमें फायदा क्या होता है, इससे बच्चों का बिहेवियर बेटर होता है और उनकी स्किल जो है वो इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है। इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि बच्चों की प्रेपरेशन के लिए टाइम दे दिया जाता है, यानी 5 स्टूडेंट हैं तो एक टॉपिक के 5 हिस्से कर दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये पहला हिस्सा आप प्रिपेयर करोगे, दूसरा आप, तीसरा आप, चौथा आप और पांचवा आप। इस तरह जब बच्चे प्रिपेयर कर लेंगे उन्हें कहा जाता है प्रेजेंटेशन दें और बाकी लोग जो हैं वो 4 मेंबर्स जो होंगे विद टीचर वो ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू होगी और साथ साथ एनालिसिस भी दिया जाएगा। और साथ जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो रिसीविंग एंड गिविंग फीडबैक, जो लोग बैठे होंगे, जो मेंबर्स बैठे होंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, वो फीडबैक देंगे और जो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा वो फीडबैक लेगा। जब फीडबैक लेगा, अगर फीडबैक ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, अगर फीडबैक ठीक नहीं आया तो फिर से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। ले जी, अब ये 5 स्टेप्स हैं, इनको साइकिल में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है इसमें सबसे पहले प्लान करते हैं, उसके बाद टीचिंग करते हैं और उसके बाद फीडबैक मिलेगा। अगर फीडबैक ठीक आ गया तो वेल एंड गुड, अब प्लानिंग की जरूरत नहीं है। अगर फीडबैक ठीक नहीं आया तो फिर रीप्लान करेंगे और रीटीच करेंगे। जब तक फीडबैक ठीक नहीं आता ये प्रोसेस दोहराते रहेंगे। और फिर इसका इतना फायदा है कि बच्चा जब बार बार खुद से प्रेजेंटेशन देगा और फीडबैक बेटर आने तक वो अपने स्ट्रेंथ इंक्रीज करता रहेगा, तब देखिएगा उसकी जो स्किल है और उसका जो बिहेवियर है वो कितना अच्छा हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।